पाकिस्तान वालों की, ये खुद ही तो बाहर हो गए, ये तो दुआ मांगते हैं हाय अल्लाह ये भी बाहर हो जाए। मेरी तो ये राय है कि मैच से मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट ख़त्म है, क्योंकि इंडिया बाहर हो चुकी है, अब मैच में कुछ राय नहीं बाकी, देखने में कोई क्या फ़ायदा। जो कोच है ठीक है, और विराट कोहली, मैं कहना चाहता हूँ विराट कोहली को इस्तीफा दे देना चाहिए कैप्टनशिप से। मैं इसको धोनी को जिम्मेदार मानता हूँ उस मैच की हार के लिए, सीधे शब्दों में ये है बस। हमने सोहेता सिंह, मैं वो हार की वजह उनको भी मानता हूँ, बहुत बड़ी वजह है। मोहम्मद शमी था, वो बहुत फॉर्म में था, अभी कमाल कर दिया पिछले दिनों, लेकिन शायद हो सकता है कि भेदभाव भी हो। अगर हम धोनी को संन्यास दिलवा देंगे, उसने हमें दो दो वर्ल्ड कप दिलाए हैं, तो ये उसके साथ जस्टिफिकेशन नहीं होगा। तो धोनी और जडेजा ने अगर नहीं खेला होता तो अब पता है कि कितने रन से या कितने गैप से हारते थे। वो हिट हो गया, अगर मान लीजिए विकेट पे नहीं लगती बॉल तो धोनी अंदर ही होता, और मेरे ख्याल से धोनी मैच निकाल लेता कल। 5 ओवर पहले से ही थोड़ा तेज खेलना चाहिए था, धोनी की भी कुछ कमी रही है सर, कि धोनी को 5 ओवर थोड़ा पहले से थोड़ा तेज खेलना चाहिए था, धोनी की कुछ कमी रही है। लेकिन 4th नंबर की जो बैटिंग है उसकी वजह से मैच हारे थे, कोई जेनेस कार्तिक फिट नहीं बैठते हैं 4 नंबर पे। मैं बहुत ही गुस्से में हूँ, आक्रोशित हूँ, लेकिन मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, अब मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं हर दौर से गुजरने को तैयार हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि धोनी को बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज 130 करोड़ लोग का सर झुक गया जनाब। देखिए निराशा तो मुझको बहुत हुई, लेकिन मुझे ये लगता है कि धोनी ने गेंदें खेली हैं अदा, कोई बात नहीं, लेकिन आपको स्ट्राइक तो रोटेट करनी चाहिए थी आप लगातार, जब 4 ओवर में 42 रन चाहिए, ट्रेंट बोल्ट का ओवर था, आप अगर आप नहीं बल्ले पे गेंद आ रही थी आप सिंगल लेके उसको देते वो मार देता, लेकिन आपने 4 गेंदें पी ली, 5वीं गेंद पर सिंगल लेके स्ट्राइक उसको दी, अब जब 19 गेंदों पर 42 रन चाहिए तब आपने उसको स्ट्राइक दी, अब वो भी प्रेशर में आ गया, जडेजा गलत आउट खेल गया, वो आउट हो गया, और जब सबसे ज़्यादा जो थी आपकी टीम को तब भी आप गलत टाइम पे, जब क्या जरूरत थी हमें 2 रन लेने की, अगर आप अंत तक की टिके रहते ना वहाँ पे तब भी इंडिया जीत जाती, लेकिन वो गैर जिम्मेदार, मैं इसको धोनी को जिम्मेदार मानता हूँ उस मैच की हार के लिए, सीधे शब्दों में ये है बस फाइनल कंक्लूजन धोनी। ये तो बहुत जनता को खुशी थी कि आगे हम ही जीत रहे, भारत ही जीत रहा, भारत रहा, तो इतना उम्मीद ही नहीं था, जिस हिसाब से हमें तो सोचते हैं ये पड़ोसी की नज़र लगी है पाकिस्तान वालों की, ये खुद ही तो बाहर हो गए, ये तो दुआ मांगते हैं हाय अल्लाह ये भी बाहर हो जाए, हम तो इनके पाकिस्तान को ही बोल रहे हैं, ये इनको बद दुआ लगी इनकी। भैया अगर धोनी जी अगर निकल जाएंगे तो रह कौन जाएगा टीम के अंदर, कोहली जी को मानोगे? ये कोहली को मानोगे? अगर कोहली को भेजना होता तो 4 आउट होने के बाद में धोनी को भेजना चाहिए था, जैसे कि हमारे नेताजी ने बोला था अभी कि इसमें धोनी पे सारा इन्होंने जितना भी था पूरा ठेकड़ा धोनी पे फोड़ दिया, अगर धोनी तेज खेलता तो ये मैच कवियों का ख़त्म हो जाता, यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते। एक चीज़, दूसरी चीज़, में एक हमारे पत्रकार बंधन है हमने सोहेता सिंह, मैं वो हार की वजह उनको भी मानता हूँ, बहुत बड़ी वजह है और वो जिम्मेदार है, सोहेता सिंह जो है आज तक चैनल की जो है एंकर हैं, उन्होंने बोला था कि अगर मोदी जी इस मैच को जिताएंगे और वर्ल्ड कप जो है मोदी जी जितवा कर लेकर आएंगे। देखिए मैनेजमेंट की वजह है, मेन बात है मैनेजमेंट, अगर कोई जीत रहा है, कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसके साथ सर सेल्फी लेते हैं और सब कहते हैं हम भी हैं, जैसे मोदी विराट कोहली, और जब कोई कारण होता है तो सब पतली गली से निकल जाते हैं, शो बंद कर देते हैं, मेन कारण को जवाब पूछना, जैसे जीतते हो वैसे हारे हो तो उसका जवाब दो, इस पर डिस्कस होना चाहिए। विराट कोहली को जो उनका और भी है, महेंद्र सिंह धोनी को है, पहले तो जन्मदिन मनाते हैं और उसके बाद और लोगों को नहीं देखते हैं, आम आदमी को भी देखना चाहिए, हमें जीत देखना चाहिए, अपने परिवार भी देखते हैं, जब पसीना बहाते हैं तो देश उनके साथ खड़ा होता है, दुआएं खड़ी होती है, और जब हार होती है पता नहीं कौन सी गली से निकलते हैं। देखिए टीम मैनेजमेंट में भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी थी, कुछ ना कुछ गलत फहमियां थी, क्योंकि मोहम्मद शमी को नहीं लेके आया गया, आपने देखा कि क्या कहते हैं 4 मैचों में 14 विकेट लेके गए मोहम्मद शमी, फिर भी उन्हें नहीं खिलाया गया, अगर शायद मेरा मानना यह है कि और कम स्कोर पर रोका जा सकता था न्यूजीलैंड को, और दूसरी बात, दूसरी ओर लोग कह रहे हैं कि महेंद्र सिंह धोनी तेज हिट क्यों नहीं लगाए, बड़े हिट्स क्यों नहीं लगाए, तो बड़े हिट्स अगर वो लगाते तो वो इस बात को जानते हैं कि मेरे पीछे और कोई बैट्समैन नहीं है जो बल्लेबाजी को कर सके, रविंद्र जडेजा और महेंद्र सिंह धोनी दोनों को ही पता था कि रविंद्र जडेजा तो एक बार को बॉलर हैं, अगर टीम इंडिया हार जाती है और वो उससे पहले जडेजा आउट हो जाते 76 रन 78 रन जो भी उन्होंने बनाए, अगर वो नहीं बनाते 1 रन भी तब भी उनके ऊपर कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि वो बॉलर हैं, पर महेंद्र सिंह धोनी ऐसा बैट्समैन और वर्ल्ड के बेस्ट फिनिशर्स में उनका नाम आता है महेंद्र सिंह धोनी का, तो वो धीरे इसलिए खेल लेते क्योंकि उन्हें पता है कि आपने IPL में भी देखा कि चेन्नई सुपर किंग की तरफ से उन्होंने कैसे वो मैच फिनिश करते हैं। मेन वजह है जो नंबर 4 पे जो बैट्समैन खेलता है उसकी स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी डिस्कशन हुआ था कि नंबर 4 पे अंबाइतर
नायडू जो है तो नायडू जो मुंबई का था ही डिजर्व फॉर द नंबर फोर, क्योंकि नंबर फोर पे अगर मान लीजिए अगर आपके पहले तीन बैट्समैन ठीक से काम नहीं करते या निकल जाते किसी तरह से तो आपका नंबर फोर सबसे वीक रहे तो आप पूरे सीरीज में आप देख लो नंबर फोर वीक रहा है, तो आपका जो मिडल ऑर्डर था तो मिडल ऑर्डर की वजह थी मेन इनका जो कोच है कभी, क्योंकि ये लोग नए नए बंदे लेके आ रहे हैं, ठीक है अब कुछ बंदे हैं उनको एक्सपीरियंस नहीं है, लेटर ऑन उनको एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन अंबाई तो राइडू को उनको जिस हिसाब से उनके साथ उनको बात करी है या जिस हिसाब से उनको साथ जो उन्होंने सलूक किया दैट इज़ नॉट गुड एक्चुअली, क्योंकि अगर नंबर चार पे अगर सही पोजीशन मिल जाती तो ये 100% मैच जीते होते। और आप पूरी सीरीज में देख लो मिडल ऑर्डर में कोई रन नहीं बना रहा, मिडल ऑर्डर में 32-30 इस तरह से चल रहा है, तो सबसे बड़ा इशू है कोच रवि शास्त्री और BCCI जिन्होंने ठीक ढंग से जो है ये डिसाइड नहीं कर पाए कि नंबर चार पे किसको खिलाना चाहिए। मैं सबसे पहले एक बात कहूँगा, कल मैं सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ पढ़ा था, धोनी के घर का सुरक्षा बढ़ाया गया है, विराट कोहली के घर का सुरक्षा बढ़ाया गया है, ये क्या चक्कर है? अब ऐसा तो नहीं है कि क्रिकेट ख़त्म हो गया और दोबारा खेल होगा ही नहीं, वर्ल्ड कप होगा नहीं, इतना सारा योगदान दिया है धोनी, उसको पिछला नहीं देखेंगे, इतने सारे योगदान को नहीं देखेंगे, अब एक मैच हार गया तो उसके घर का सुरक्षा बढ़ाया गया, सोशल मीडिया में इतना गालियां दिया जा रहा है, तो ये क्या है? ये हमारे देश के लोगों को मतलब सोचना चाहिए भाई, क्यों ऐसा कर रहे हैं? जब वो कोई खेल जीत के आता है, कोई मैच जीत के आता है, तो उसको सर आँखों पर बैठा लेते हैं, सैकड़ों खेल जिताया है वो अपने बलबूते पर, और विराट कोहली भी अभी तो एक महीना हुआ नहीं, वर्ल्ड कप से पहले एक इतना भयंकर जीत दिलाया था, लेकिन वो नहीं देखेगा, अब एक खेल किसी कारण हार गया तो गालियां पड़ेगा उसको, उसके घर का ये सुरक्षा बढ़ाया जाएगा, उनके जान को भी खतरा होगा। जी नहीं, धोनी को संन्यास नहीं लेना चाहिए, दिन सबके बुरे होते हैं, कल इंडिया का था और धोनी का भी बैड लक ही था, क्योंकि आज तक धोनी ने मैच ही जिताया, इंडिया को मैच ही जिताया है, और दिन किसी का भी ख़राब जा सकता है, एक अगर मिस हो जाती कल ओवर वो डायरेक्ट हिट ना होती तो शायद हम आज मैच जीते होते और हम फाइनल में होते, तो एक इतने छोटे से इंसिडेंट से अगर हम धोनी को संन्यास दिलवा देंगे, उसने हमें दो दो वर्ल्ड कप दिलाए हैं, तो ये उसके साथ जस्टिफिकेशन नहीं होगी उसके टैलेंट के साथ। शमी को हाँ जी मैं मानता हूँ चाहल की जगह शमी को खिलाना चाहिए था, क्योंकि कंडीशन वहाँ की ओवरकास्ट थी तो वहाँ पे बॉल स्विंग करती तो शमी शायद उनको 200 के अंदर रिस्ट्रिक्ट कर देता न्यूजीलैंड को। वजह किसी को ऐसे बोल नहीं सकते कि कौन वजह है क्या है, पहली बात तो देखो मैच है ठीक है, क्रिकेट है, उसमें कोई चीज़ फिक्स नहीं है कि तुम्हें कब तुम आउट हो जाओगे या फिर कितना खेल जाओगे, कोई चीज़ें फिक्स नहीं है, तो ऐसे किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। और अभी 10 मैच जीती एक मैच हार गई तो ये कोई बहुत बड़ा मतलब कि ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ ये था कि मैच थोड़ा इम्पॉर्टेंट था और मतलब कि काफ़ी ये लोग हद तक करीब थे फाइनल के और जीत भी सकते थे, चांस था अच्छा जीतने का, तो इसके लिए किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि हाँ नहीं कोई कौन देखो अभी एक मैच से किसी को तो जज नहीं कर सकते ना। अच्छा धोनी को संन्यास क्यों लेना चाहिए? धोनी के वजह से ही तुम वहाँ तक पहुँचे थे, जिस हिसाब से विकेटें गिर चुकी थी, जिस हिसाब से लोग स्टार्टिंग में खेले हुए थे, तो धोनी और जडेजा ने अगर नहीं खेला होता तो अब पता है कि कितने रन से या कितने गैप से हारते थे। धोनी को रिटायरमेंट अभी नहीं लेना चाहिए मेरे ख्याल से, मतलब अगला वर्ल्ड कप नहीं भी खेले तो अभी कुछ टाइम खेल सकता है धोनी, क्योंकि कोहली एज अ कैप्टन उतना मैच्योर मेरे को नहीं लगता है, धोनी की गाइडेंस हर जगह पर चाहिए होती है, और कल आप देखेंगे धोनी कैसे आउट हुआ तो गप्टिल का वो थ्रो मतलब हमको भी नहीं लगा था कि हाँ गप्टिल पहली बार में हिट कर देगा, वो तो एक्सीडेंटली अब एक्सीडेंट ही कहेंगे उसको कि वो हिट हो गया, अगर मान लीजिए विकेट पे नहीं लगती बॉल तो धोनी अंदर ही होता और मेरे ख्याल से धोनी मैच निकाल लेता कल, और ऐसा होते रहता है। आप टॉप ऑर्डर देखेंगे तो स्टार्टिंग में आप देखेंगे अगर KL राहुल रोहित शर्मा थोड़ा आराम से बॉल्स को लीव करके थोड़ा खेलते, ऐसा तो कुछ नहीं है सर, टॉप ऑर्डर की वजह से हारे और धोनी को थोड़ा 5 ओवर पहले से ही थोड़ा तेज़ खेलना चाहिए था, धोनी की भी कुछ कमी रही है सर कि धोनी को 5 ओवर थोड़ा पहले से थोड़ा तेज़ खेलना चाहिए था, धोनी की कुछ कमी रही है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है सर, वैसे मेन कारण तो टॉप ऑर्डर रहा है जिसकी वजह से हम मैच में हारे हैं, फिर भी हम मैच पास आकर और कुछ धोनी की भी कमी रही है जिसकी वजह से हम थोड़ा मैच के करीब आकर भी और हम हार गए, जो कि धोनी को 5 ओवर पहले से हम मैच में आ चुके थे और मैच में आके हम धोनी थोड़ा अगर जड़िया के साथ साथ वो भी थोड़ा योगदान देते अपना तो हम शायद मैच में आ सकते थे और मैच को जीत सकते थे।
तो उन्हें पता है कि अगर लास्ट ओवर में भी कहीं 18 रन या 20 रन रहते हैं तो वो उसे खत्म करने की काबिलियत रखते हैं महेंद्र सिंह धोनी, इसलिए वो बड़े हिट्स नहीं लगा रखे थे। और दूसरी बात, आपने देखा कोहली को, विराट कोहली को डेफिनेटली, क्योंकि आपने उनका देखा कि उनमें एटीट्यूड बहुत है। आपने पिछले मैच में देखा कि चहल से जब एक चौका छूट गया तो उन्होंने किस तरीके से, किस तरीके की उनकी लैंग्वेज थी। एज ए क्रिकेटर उनकी ऐसी लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, आप देख रहे हैं कि कहते हैं मोहम्मद शमी को नहीं खिलाया गया, तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि अगर आप जसप्रीत बुमराह जो वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर हैं, ठीक है, T20 स्पेशलिस्ट उन्हें माना जाता है, दूसरी बात अगर मोहम्मद शमी हो जाते तो कहीं ना कहीं और पहले रोका जा सकता था न्यूजीलैंड को। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि पिच नहीं ख़राब थी, इंडियन प्लेयर सक्षम है हर पिच पे खेलने के लिए, कोई पहली बार किसी मैच में बारिश नहीं आई है या पिच खराब हुई है, कोई पहली बार नहीं हुआ है ऐसा, पहले भी कई मैचों में बारिश आई है और उसके बाद इंडिया टीम ने बैटिंग करी है। और आप देखने की सारे मैच में हमारे सारे खिलाड़ी रन, एक मैच में रोहित शर्मा ने रन नहीं मारे तो किसी बैट्समैन ने रन ही नहीं मारे, आपने ये देखा कि मतलब अगर एक हमारी ओपनिंग जोड़ी मारेगी रन तो सब लोग सब रन मारेंगे, फिर कोहली भी रन मारते हैं, केएल राहुल भी रन मारते हैं, पंत भी रन मारते हैं, पर अगर रोहित शर्मा रन नहीं मारते तो कोई रन ही नहीं मार रहा। ये भी देखिए, संन्यास क्यों ले लेना चाहिए, आप एक बात है, जब तीन विकेट आपको दिख रहा है कि कहते हैं तीन विकेट गिर चुके हैं, तब आपको अपने एक्सपीरियंस बैट्समैन को भेजना चाहिए। और धोनी भी रन आउट हो गए, अगर वो रन आउट नहीं होते तो मेरा मानना ये है कि 10 गेंदों में जब 25 रन या 24 रन चाहिए थे तो विकेट लगा सकते थे और इंडिया को मैच जिता सकते थे। तो धोनी को संन्यास नहीं लेना चाहिए मेरे मानने में। विनोद शर्मा, आप क्या वजह मानते टीम इंडिया की? एक बार एक को खिला दिया, फिर उसके बाद उसको खिलाया नहीं, फिर दूसरे को उसको खिला रहे, सारे एक्सपेरिमेंट जा रहे हैं। और मैं ये नहीं मानता कि धोनी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, धोनी एक सीनियर प्लेयर है, उसने हमारे देश को बहुत कुछ दिया है और हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पॉइंट आता है कि उसके संन्यास लेने का, तो वो राइट टाइम पे अभी ले ही लेगा, क्योंकि वो शायद इसके ऊपर वो खुद भी सोच रहा है, क्योंकि एक टाइम आता है खिलाड़ी की कि उसकी फिटनेस के ऊपर इश्यूज़ आते हैं और उस टाइम जो होते हैं बॉडी भी कुछ जो है उतना अलाउ नहीं करती, बट ही इज़ अ लेजेंड बैट्समैन, सो हमें उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए कि उसको संन्यास लेना है या नहीं लेना, और वो कब लेगा, और बहुत जल्दी वो ले ही लेगा। इसलिए देखिए, संन्यास ने उनको तो तीसरे नंबर पे आना चाहिए, लेकिन मैनेजमेंट मेन होता है। और विराट कोहली को इतना भी अब कोई जीत रहा है, कोई अच्छा काम करता है, उसके मुकाबला टकराने के लिए हर कोई तैयार होता है, और न्यूजीलैंड ने इतिहास रच दिया। इनको थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए, पहले भी ये संयम नहीं बरतते, कोई भी थोड़ा पैसा कमा लिया, कोई जीत रहा है सोच रहा है वो गलती भी कर रहा है तो उसको लोग सही मानते, यही हमारा देश में थोड़ा पिछड़ापन का कारण है। तो फिर वो संभाल लेते, नहीं अनुभवी होते संभाल लेते, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करते संभाल लेते वो, लेकिन यही है ना कि अगर कोई पैसा कमा लिया, कोई जीत रहा है, कोई अच्छा काम, उसके पीछे पब्लिक पागल हो जाती है, और पागल के ही कारण ये हमारा जो है पिछड़ापन जा रहा है। आसमान पे पहुंचकर कल जो जमीन पे गिर गए, एक ही मैच तो जीतना था, कितना ना सबको लेना चाहिए, उनके टीम में जितने भी लोग जुड़े हुए सबको हार जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि ऐसी गलती फिर ना हो। मोहित शर्मा, अब ये नहीं कह सकते बारिश नहीं होती इंडिया जी जाती, क्योंकि भाई मैच तो पूरा हुआ, 250 के अंदर टारगेट था कि इनको, नहीं नहीं 250 के अंदर टारगेट था कि इनको 250 के अंदर रोकना, वो भी रोक लिया। अब बात भैया है कि अगर मान लो शीर्ष क्रम ऐसा तो है नहीं कि हर मैच में रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल रन बना लेंगे, किसी और की जिम्मेदारी भी होती कि आगे आके किसी भी स्थिति में रन बनाए, लेकिन ऐसा नहीं, तीन अगर ऊपर के मतलब फेल हो गए तो पिछले मैच में पोल खुल चुकी थी कि हम लोग मिडिल ऑर्डर हम लोगों का बिल्कुल कम शास्त्री, बिल्कुल शास्त्री जैसे आ रहा है। अगर आप हार्दिक पांड्या की जगह पर रोहित को भेजते हैं तो शायद वहाँ पे कुछ सीन अलग रह सकता था, क्योंकि रोहित जो है, धोनी जो है बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और सामने थे ऋषभ पंत, मुझे लगता है कि अगर ऋषभ पंत के सामने धोनी होते तो उनको सलाह अच्छी मिलती वहाँ पे और वो देर तक ही टिके रहते और शायद इंडिया का स्कोर कुछ और होता है, इंडिया जीत जाता है मेरे ख्याल से। बस अफसोस इस बात का है कि धोनी ने बहुत ज़्यादा गेंदें डॉट खेलनी, अगर आप डॉट खेल, अगर आप ठीक है आप तेज नहीं खेल रहे थे कोई बात नहीं, लेकिन आप सिंगल तो रोटेट कर सकते थे, स्ट्राइक रोटेट कर सकते थे, लेकिन वो भी नहीं कि इन्होंने, बस यही थोड़ा हर का हर कारण रहा है। मैं अगर जिस हिसाब से मेहनत से आगे बढ़ के आए थे और 130 करोड़ लोगों का झुक गया और मोदी जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि निराशा हुई, अरे निराशा नहीं हुई, कितने लोगों ने तो आत्महत्या करने को तैयार हो गया, 130 करोड़ लोगों का सर झुक गया भाई साहब कि मात इतना अच्छा खेला जो जडेजा, जिनको हम लोग कई चैनल पर बोले थे जिसको शुरू से खेलवाओ, देखिए जडेजा ने क्या किया, कैच लिया, फील्डिंग की, 77 रन बनाए और उन्होंने दिखा दिया, लेकिन उनको क्या हुआ, धोनी ने थोड़ा सा भी साथ नहीं दिया, क्या कर रहा, एक रन की भी नहीं ले रहा है, बॉल को खराब कर रहा है, तुम्हारा कहाँ गया हेलीकॉप्टर शॉट, उसका हेलीकॉप्टर ढूंढिए कहाँ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके व्यूअर्स को और इस देशवासियों को कहना चाहता हूँ
कि ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान के अंदर कोई ये नहीं चलेगा और किसी की तानाशाही, किसी की दादागिरी नहीं चलेगी, चाहे वो BCCI क्यों ना हो। और सुप्रीम कोर्ट को भी कहना चाहता हूँ कि कहाँ गया सुप्रीम कोर्ट? जब सुप्रीम कोर्ट BCCI में सिलेक्शन बोर्ड को लाया गया तो क्या उस टाइम आँख बंद करके क्रिकेट देख रहे थे? क्या सुप्रीम कोर्ट के जज जो है अंधे हो गए? क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा था कि ये भाई धीमी स्कोर हो रहा है, इस पर एक्शन लेना चाहिए, कमिटी बैठाना चाहिए था, समिति बैठाना चाहिए था? कहाँ गए हो, कहाँ गए ये? मैं सब पर कहना चाहता, आक्रोशित हूँ मैं बहुत। मैं इंडिया के तरफ से एक आम आदमी, मैं बहुत बड़ा क्रिकेट का फैन हूँ, सारा काम छोड़ के। मेरा नाम धनोज कुमार है और मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूँ और बहुत सब कुछ काम धंधा छोड़ के क्रिकेट देखता हूँ। कल मैं इलाज करा रहा था, फिर भी डॉक्टर को बोला सर बाद में आप मुझे देखिए, पहले मुझे क्रिकेट देखनी है। क्या निराशा हुई मैं बता नहीं सकता हूँ, मुझे अपने पाँव नहीं उठ रहे थे हारने के बाद। अभी तो उन्हें जो है जब 4 आउट हो गए थे तो मोदी जी को भेजना चाहिए था। ये स्वेता सिंह की बहुत बड़ी गलती है, उन्हें मोदी जी को भेजना चाहिए था। अगर मोदी जी पहुंचते तो वो मैच जीतते। स्वेता सिंह के बोल पर बोल रहा हूँ, वो आप चाहे गलत समझो या सही समझो। क्योंकि अगर एक बात बताओ, ये हमारे प्रधानमंत्री जी क्या मैच भी खेलने के लिए जाएंगे? इसमें मोदी जी क्या करेंगे? स्वेता सिंह बोल रही है चाटुकारिता की भी हद होती है, शर्म करो शर्म, कुछ शर्म करनी चाहिए। ये क्रिकेट बाई चांस होता है, कोई भी जीत सकता है। जब दो टीमें खेल रही हैं तो एक जीत सकती है। अगर बहुत अच्छा जीत जाती तो आप ये कहते कि हाँ मोदी जी ने जिता दिया, ये क्या होता है यार? इतनी चाटुकारिता अच्छी नहीं होती। थैंक यू भैया। भैया बारिश नहीं होती, देखो अगर हमारी किस्मत में ये मैच होता तो हम 100% ये मैच जीतते। और ये देखो ये चाटुकारिता की स्वेता सिंह है जो ये कह रही है मोदी जी मैच जिताएंगे। क्या मोदी जी खेलने जाते? क्यों नहीं भेजा मोदी जी को खेलने के लिए? ये हाल है भाई, संभल के ये ले लेना, दिखाई देना चाहिए, समझे? और अगर हमारे नसीब में होता, नसीब भी होता, ऐसा नहीं है हम नसीब को अलग नहीं रखते, अगर हिंदुस्तान के नसीब में होता क्रिकेट ये मैच जीतना तो हम जीतते, ये भी है, समझे? मृत्युंजय सिंह। नहीं, धोनी हमारे कोई प्लेयर की जिम्मेदारी, ये तो अच्छा, सबने प्लेयर ने अच्छा खेला है, बहुत बढ़िया खेला है, ये तो कोई बात नहीं है। पर हमें उम्मीद थी जो जितने रन, ये 240 रन बनाने थे, ये तो 20 ओवर बन जाते हैं, 20 बन जाते हैं। पर ये जो ऊपर वाला जो करे अच्छा करेगा, पूरे क्या जिम्मेदार तो उसको धोनी को लेना चाहिए। कोहली तो फैली हो गया, कोहली तो उसको तो बाहर निकालना चाहिए कोहली को तो। नहीं, बिल्कुल नहीं है। कोहली भी थोड़ा सा कोहली भी कमी है, हम तो कहे कोहली को बाहर निकालना चाहिए। नहीं बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, धोनी सबसे बढ़िया है, धोनी ठीक है। मेरा नाम जगवीर नाम है।